हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक कॉम्बो फोल्डर लेकर आया हूं, जिसका मैं आपको गिलास उतारने का आसान और सही तरीका बताऊंगा। तो ये हमारी मशीन है, हम मशीन को ऑन करेंगे और मशीन को ऑन करने के बाद में हम कॉम्बो फोल्डर को मशीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से रखेंगे और जब मशीन हमारी पूरी गर्म हो जाएगी तो ये फिर हम इसको उतारेंगे। इसके लिए पहले हम गर्म कर लेते हैं। तो इसको हम कितनी मशीन पर, कितनी हीट पर उतारेंगे, मशीन को कितनी देर तक हमें ऑन रखना है और हमें इसका वैक्यूम किस टाइम यूज़ करना है, किस टाइम चलाना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको प्रॉपर तरीका समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इसको उतारना है और किस तरीके से हमें इसकी गम को रिमूव करना है। तो दोस्तों, मशीन पहले हीट कर लेते हैं, हीट होने देते हैं, फिर उसके बाद में आगे का काम करेंगे। इतने दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका वायर होता है जिससे हम इसको निकालेंगे। मैं इस तरीके से, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वायर होता है इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें उंगली पर कपड़ा लगाकर इसको निकालता हूँ, ताकि उंगली कटने में उंगली ना कट सके, क्योंकि अगर ये बिना कपड़ा लगा करेंगे तो उंगली कटने का भी खतरा होता है इसमें। तो अब हम इसमें वैक्यूम चालू करेंगे। यहाँ पर हमारी मशीन पूरी हीट हो गई है, तो ये मैंने वैक्यूम चालू कर दिया है और अब हम तो ये देखिए बहुत आराम से इसको हम नीचे की तरफ करके करेंगे, ताकि हमारी डिस्प्ले पे कोई फ़र्क नहीं पड़े और डिस्प्ले बिल्कुल हमारी प्रॉपर सही उतर जाए। तो ये हमारा पूरा डिस्प्ले, हमारी ये निकल गई है और अब हम इसका वैक्यूम ऑफ करेंगे और इसको हम हटा देंगे। ये हमारी ग्लास निकल गया और अब हम इसको क्लीन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाऊंगा बिल्कुल। तो क्लीन करने के लिए हम इस तरीके से कॉटन का कपड़ा लेंगे और जो हमारा गम रिमूवर होता है तो वो थोड़ा थोड़ा सा हम उस पर डालेंगे और फिर हम इसको, ये देखिए, और इसको हम बिल्कुल भी डिस्प्ले पर कोई वज़न नहीं करेंगे, बहुत आराम से हम इसको क्लीन करेंगे ताकि हमारी डिस्प्ले बिल्कुल सही रहे, ख़राब नहीं हो, टूटे नहीं कहीं से। अगर हम इसको इस पर ज़ोर लगाएंगे, वज़न करेंगे ज़्यादा, टाइट हाथ से करेंगे, तो ये डिस्प्ले हमारी
ख़राब होने के चांस होंगे, तो डिस्प्ले हमारी इसमें टूट भी सकती है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, क्या हो गया? विचार कर ले भाई। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बिल्कुल क्लीन हो गई है डिस्प्ले, और अब हम इस पर ओसी करके इसको फिट करेंगे। तो इस तरीके से आप ओसी करने के लिए आप इसकी टच, किसी भी कॉम्बो की टच या ग्लास आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमारी वीडियो देखते रहें।